तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे। तो फिलहाल आज मम्मी बना रही है बड़ी चावल। तो हमारे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। जब अब ये वीडियो देखो क्या पता तब तक हो भी जाएं। थोड़े से बाकी हैं, कुछ 80-90 हज़ार सब्सक्राइबर बाकी हैं सिर्फ। तो हमारा प्लान है कि हम कुछ अलग करेंगे आपके पास 7 मिलियन पे। हमारा प्लान है पूरी फैमिली के साथ। पूरी फैमिली के साथ तो हमारा प्लान है गाँव में जाने का, अम्मा बाबू चाचा चाची कुनाली के साथ में। पूरी फैमिली, जो हमारी जॉइंट फैमिली, पूरी साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे। कल सुबह सुबह निकलेंगे, जो भी रहेगा। ठीक है, हमने पूरी फैमिली में आज तक कुछ भी अच्छे सेलिब्रेट नहीं किया। पूरी फैमिली फर्स्ट टाइम पूरी फैमिली होगी और सब मिलके करेंगे। तो आज करते हैं तैयारी जाने की और फिर कल सुबह सुबह निकल लेंगे। सौरभ कितू क्यों कहता है इसको नहाने के लिए? मैं तो रोज ही कहता हूँ। कब कहा तूने उसको? ये गर्मी के दिन है, क्या हो रहा है नहीं नहाने को? मेरा फोन कहाँ का दिए? मेरे फोन दे दे, तेरी पीछे में दोबारा नहीं कहूँगी। मेरा फोन दे दे। आप ऐसे फोन को, अरे नहीं, अरे नहीं, तूने क्या करा है? मैंने क्या करा? सुन, नीचे फोन का आता था, क्या करा तूने? इसी बहुत तंग करे यार, बहुत तंग कर दिया यार इसने। जो देखना, इसने जिससे हम फोन करते है ना, वो वाला नंबर गायब कर दिया इसने। देखना वो जो जो जिससे हम फोन करते हैं वो। अरे मिल गया, अरे बड़े मिला। अगर पीछे से गर्दन रगड़ ही ना ना, दोबारा नहीं लगती। तेरी नौकर नहीं हूँ मैं, तेरी नौकर नहीं हूँ। बड़ा नहा निराश में से दो बार हो गए ना ना ना, कल नहाया ना आज नहाया। मैं पापा से फोन कर रही हूँ ना, मैंने कितनी बार कहा जब से उठाया। किसको फोन मिला रहे हो? पापा। पापा को फोन मिलाया, क्या होगा? पापा नहलाएंगे। पापा नहलाएंगे? पापा नहलाने के लिए आएंगे इसके यहाँ पे? ऐसी बातें कर रहे यार मम्मी। हेलो, 50 रुपए का डोरेमोन का। अरे रुक जा। हेलो है? अरे मजाक कर रहे थे। अरे देख ले, आप मिला दे। अरे सॉरी, अरे ना चलो, अरे गीजर नहीं चला, अरे लाइट नहीं। मैं चलाता हूँ, हैंड मूव करके। अरे रुको, अरे बड़े में मुझे इतना मतलब कहना नहीं मानने वाला लड़का। तूने किसी का देखा? नहीं देखा। देखा मेरे, कल भी नहीं नहाया इसने, आज भी नहीं नहाया। देख ले, नहाने के लिए इतने दकरे हैं। तो गाइस फाइनली बहुत सारी डांट खाने के बाद इसने नहा लिया है और अभी पापा जी मेहंदी लगवा रहे हैं। तो गाइज इतने दिन से ना हमारे पास इतने सारे फ्लावर्स इकट्ठे हो गए हैं। देखो तो ये देखो कितने सारे हैं इसके अंदर। तो ये सारे बर्बाद ही हो रहे हैं, खराब ही हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। जिस दिन आते हैं उस दिन तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगले दिन पूरे मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो पीयूसी कुछ कहना चाहेगा? तो गाइज मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी भेज रहे हो इनको, कृपया मत भेजिए इनको। यहाँ घर में रह रही है, पूरे मुरझा जा रहे, खराब हो जा रहे। देखो तो इससे बढ़िया इनको कहीं जहाँ भी है वहाँ पर लगे रहने दो, मतलब सही तो रहेंगे। यहाँ पर आके मुरझा जा रहे सारे, देखो कितने काले काले गंदे हो गए। पेड़ पे लगे हुए काफी टाइम तक सही रहेंगे और अच्छे भी लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये कितने मस्त लग रहे हैं, वाइट वाइट। अगर सारे निकाल दें तो अजीब लगेंगे, तो लगे हुए तो अच्छे भी लगते हैं। तो फिलहाल चाय टाइम है, शाम की चाय, और साथ में समोसे भी हैं, जो कि 5 रुपए का एक समोसा आता है, मस्त टेस्टी हमारे यहाँ मिलता है। तो मार्केट चलते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आएंगे गाँव के लिए, कुनाली के लिए, और उसके बाद फिर होली को घुमा के आएंगे। पैकिंग वगैरह सब कर लेना, हमको सुबह निकलना है 5 या 6 बजे। तो फिलहाल अभी शाम का टाइम है, तो अभी हम जा रहे हैं गेट पे, कुछ सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे हैं। बाकी ये भी आए थे अंदर, इन्होंने कहा कि और वहाँ पे वेट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो मिल के आते हैं। पीयूष तो अपने साइकिल में रहता बस, एंड ये इनकी फैमिली। एक्चुअली उधर चलोगे, पीछे पीछे। आप सभी पूरी एक फैमिली हो? पूरी? अच्छा आप अलग हो एंड आप अलग हो। हेलो, अभी ओरियो आ रहा है, इन सबको ओरियो को देखना था। ओरियो को बहुत शौक है बच्चों को। From my window. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत अच्छा लगा। Best day of my life. अरे थैंक यू मम्मी जी, को गिफ्ट में लौकी मिली आज। लौकी। ओके बाय। ओके बाय। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल गांव जा रहे हैं ना, तो कुनाली के लिए कुछ टॉयज वगैरह ले लेते हैं। छोटा सा यार, उसको टॉयज पसंद है। वैसे मुझे आइडिया नहीं क्या लेना चाहिए, बिकॉज हमने खुद ने तो कभी बचपन में ज्यादा टॉयज खेले नहीं है, तो इन चीजों में हम थोड़े ढीले हैं। सरप्राइज, टॉयज, सेलिब्रेशन, आपने नोटिस किया होगा, कुछ हम करते हैं जब हमको पता ही नहीं है किस तरह से ज्यादा होता है, क्या होता है। फिलहाल तो अभी जा रहे हैं मॉल, अभी निर्मल भैया आएंगे, वो बताएंगे कहाँ पे है मॉल।
मॉल में देखेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे अगर मिलेगा तो कुछ। मैंने साहिल को बोला चल, वो सो रखा था, कह रहा मैं नहीं आ रहा। Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ दादाजी के पास में जाने के लिए और उनको अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए, बिकॉज हमारे घर में किसी के पास कभी भी कार नहीं थी, मैंने सोचा भी नहीं था, तो मैंने लिया। तो मेरा एक ड्रीम होता है ना कि सबको बिठाएं, दादा दादी चाचा चाची को बिठाएं, तो अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली में बैठेगी ना तो एक अलग ही फील आएगी मुझे, वो फील मैं ही समझ सकता हूँ यार, है ना। तो गाइस पोपट हो चुका है, गाड़ी धस गई पता नहीं कहाँ, मैंने अपनी गाड़ी धसा ली है। कहाँ धसी? अबे टायर घुस गया, निकल जाएगी क्या? फंस गया भाई, फंस गया। तो गाइस पोपट हो चुका है तगड़े वाला, यहाँ पे इतनी जगह थी मुझे यहाँ से निकालनी चाहिए थी। ये तो बहुत गलत वाला सीन हो गया, बिकॉज ना आगे वाला टायर हम इधर पीछे भी नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे वाला टायर इधर घुस जाएगा सीधा खेत के अंदर नीचे, तो आगे लेंगे तो पीछे वाला टायर जाएगा, पीछे लेंगे तो आगे वाला टायर जाएगा। हेलो, गाड़ी को नुकसान हो रहा है भाई नीचे से, भाई बहुत नुकसान हुआ है गाड़ी को नीचे से। मैं फोटो नहीं खींच रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारी गाड़ी फंस गई थी भैया। चलो अच्छा हुआ, हम मिलते हैं, प्लीज सलमानी आएगा ना, प्लीज बताना। हाँ हाँ जरूर जरूर जाते हैं। एक फोटो। चलो जगह भी थोड़ी है ना यहाँ। गाड़ी कैसे लगा रहा था निकलेगी, मेरे को नहीं लग रहा था, मेरे को लगा क्रेन व्रेन मंगानी पड़ेगी भाई। तो ये मॉल है ना, ये सिंपल सा मॉल है, कुछ ज्यादा यहाँ पे है नहीं, भीड़ भी नहीं है और ज्यादा शोरूम्स भी नहीं है। तो घूमते फिरते अभी हम पहुँच गए बर्गर किंग में, कुछ वैसे तो मिला नहीं, बर्गर खा लेते पहले। मॉल में तो हमें कुछ खास दिखा नहीं, कुछ खास मिला नहीं, कपड़े भी नहीं दिखे ना ही कोई टॉयज दिखे, बस बच्चे फ्राइज लेके आए। अभी दो तीन दिन तक खाएगा इन फ्राइज को ना। तो अभी हम आए थे यहाँ पे थोड़ी बहुत ओरियो की शॉपिंग करने के लिए, ओरियो के सारा सामान खत्म हो चुका है, डब्बा लेते वाला। तो कल जाने के लिए हमने सामान भी ले लिया कुछ खाने पीने का, जो कुनाली के लिए और हमारे लिए भी रास्ते के लिए। तो अब फिलहाल विशाल ट्राई करते हैं, विशाल मेगा मार्ट। तो विशाल में तो हमको मिल गए, ये तो लड़कियों वाला माल है ना, चलो एक तो ये ले लेते हैं और देख ले कुछ। ये भी सही है, ये सही है ना, पिनबॉल हो गया। ये वाली कार खतरनाक लग रही है, अल्फाबेट अल्फाबेट ठीक है ना। तो फाइनली कुनाली के लिए सामान मिल चुका है, अब चलते हैं घर पे। एक्चुअली सीन ऐसा, आज सोनू भैया जा रहे हैं तो उनको भी बस स्टैंड तक छोड़ के आना है, जल्दी चलते हैं, उनकी 8 बजे की बस है। एक चीज़ बढ़िया यहाँ पे, यहाँ पे मतलब मॉल में या फिर कहीं भी शूट करने से कोई भी पाबंदी नहीं है, यहाँ पे शूट कर सकते हैं, लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम बस स्टैंड तो पहुँच गए हैं, यहाँ बस ढूंढते हैं कौन सी है, सोनू भैया वाली इन्हीं में से कोई होगी, हांसी हिसार वाली, ये रही रोहतक हांसी हिसार। तो अभी 8 बजने वाले हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं, बस यहाँ पे खड़ी है, सोनू भैया जाने वाले हैं, बहुत याद आएगी आपकी। बाय बाय होली, साडा आ गए हैं, साडा आ गए होली। तो जब से हम यहाँ पे आए थे हमारे साथ में सोनू भैया भी रह रहे थे, जो आपने देखा होगा, काफ़ी हेल्प की उन्होंने हमारी। फिलहाल अब वो चले गए हैं, बिकॉज उनकी फैमिली भी तो है ना, उनकी वाइफ भी है, उनके बच्चे भी हैं, और हम भी कल जा रहे हैं गाँव में, तो हम भी वहाँ 10-15 दिन आराम से रुक के आएंगे आराम से। तो अभी रात के बज गए हैं 12:34, अब करेंगे डिनर, एडिटिंग वगैरह सब कंप्लीट कर लिया मैंने, बट डिनर नहीं किया था मैंने, बिकॉज भूखी नहीं लग रही थी, वो बर्गर खा लिया था ना मॉल में। इसको अपलोड पे लगाता हूँ एक बार, फिर चलते हैं। तो खाना तो मैं लिया है, भिंडी एंड रोटी मिली है, बाय द वे बाहर हो रही है काफ़ी तगड़ी वाली बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो हमारा कल जाना कैंसिल हो सकता है अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो, बिकॉज पहाड़ों में तो लैंडस्लाइड हो जाता है जब ऐसी बारिश होती है ना, पूरी फैमिली अगर जाएंगे तो, क्योंकि ऊपर से पत्थर पहाड़ गिर सकते हैं ना। देखते हैं जो भी रहेगा, देखते हैं कल सुबह। फिलहाल तो बस डिनर करता हूँ और इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस आज पीयूष पकड़ा गया अपना मुंह धोते हुए, मुझे लगता था कि ये कभी मुंह नहीं धोता होगा अपना, बट आज ये पकड़ा गया। इसको भी सजने संवरने का शौक है, नहाता तो था नहीं, मुझे लगा मुंह धोता होगा। We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone.